भोजपुरी सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग विदेशों में होने लगी है, वहीं दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री के फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई न कोई स्टार चर्चा में बना रहता है। हाल ही में सुर्खियों में छाई हैं एक्ट्रेस रानी चटर्जी। जी हाँ, उन्हें लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि रानी चटर्जी जल्दी शादी करने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बात को उन्होंने खुद ही कंफर्म भी कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो शादी कब कर रही है। आपको बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी इससे पहले पवन सिंह से अफेयर की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में थी। वहीं अब एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने कबूल आखिर कर ही लिया कि वो किसी को डेट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने इस शख्स की पहचान तो नहीं बताई, लेकिन रानी चटर्जी ने ये भी बता ही दिया कि वो इस मिस्ट्री मैन से इसी साल यानी कि 2020 दिसंबर तक शादी कर लेंगी। उन्होंने शादी की ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की हैं। और खास बात ये भी है कि ये मिस्ट्री मैन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं। रानी चटर्जी ने इंटरव्यू में आखिर कह ही दिया कि हाँ, मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल गया है। हम एक दूसरे को कुछ समय से डेट कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने ये भी तय कर लिया है कि हम इसी साल यानी कि दिसंबर तक शादी कर लेंगे। हालांकि अभी सही तारीख नहीं मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अभी इस शख्स की पहचान नहीं बताना चाहती, नहीं तो हमारा प्यार दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन मैंने फैन से वादा किया है कि शादी से कुछ महीनों पहले मैं उसे सबसे मिलवाऊंगी जरूर। और फिलहाल तो मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि वो एक टीवी एक्टर हैं। वहीं रानी के इस बयान के बाद हर कोई इस मिस्टर मैन के बारे में जानने के लिए बेताब है।